एक और जो कन्फ्यूज़न की स्थिति सामने आती है बच्चों की वो ये है कि सर हम एस की तैयारी कर रहे हैं तो हम लीगल मैटर क्यों लिखें या कुछ बच्चे जो हाई कोर्ट या सेशन्स कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि साहब हम तो कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हम जनरल मैटर क्यों लिखें तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा जैसे जो कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं आप कह रहे हैं साहब हम तो लीगल मैटर लिखते हैं ठीक है सपोज करिए जो पाँच शब्दों का मैटर है लीगल का उसमें बड़ी मुश्किल से जो प्योर लीगल के वर्ड होंगे वो कितने हो सकते हैं सत्तर अस्सी या सौ बाकी के चार सौ वर्ड्स क्या हैं वो जनरल के हैं भाई ज़्यादा ज़्यादा लीगल के क्या हो सकते हैं जो भी हम रूटीन में देखते हैं लर्नड काउंसिल है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना लर्नड ए पी पी सॉलिसिटर जनरल तो कुल मिला के पाँच सौ में से हद से हद अस्सी या सौ शब्द जो हैं वो लीगल के हो सकते हैं बाकी जनरल के हैं तो यदि आप जनरल का मैटर लिखोगे तो आप प्लस में ही हो माइनस में नहीं हो आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा अब हम आते हैं एस की ओर तो एस वाले सोचते हैं कि साहब हम लीगल लिख के क्या करेंगे लेकिन आप लीगल ना लिख के जो 500 में से जो 100 शब्द लीगल कहटाओ तो बाकी 400 शब्द आप पीछे रह रहे हो डेली के आप ये आठ सौ हज़ार शब्द लिखते हो और बाकी जो 400 वो नहीं लिख रहे हो तो आप पीछे हो क्योंकि ये कभी ज़रूरी नहीं है कि एसएससी में हमेशा पार्लियामेंट्री मैटर ही आएगा इज़ नॉट नेसेसरी मैटर कहीं से भी आ सकता मान लीजिए सीनियर जूनियर के ऊपर आ गया ठीक है एक बार आया भी है तो सीनियर जूनियर के ऊपर जब मैटर आ जाता है और कोई सर्विस मैटर आ गया जिसमें से कुछ शब्द जो हैं लीगल के हमने कोई जजमेंट किया उसमें कोई सीनियरिटी का मैटर चल रहा था क्योंकि सीनियर लिस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी तो वहां से हमने किया तो जिस बच्चे ने तैयारी सीनियर लिस्ट वाले मैटर की, की थी तो उन शब्दों से भली बात परिचित है वो शब्द वहाँ से पकड़ देगा दूसरा कई बार ऐसे मैटर होते हैं जिनका मान लीजिए जैसे सॉलिसिटर जनरल के ऊपर आ गया या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आ गया कोई ज़रूरी नहीं कि जजमेंट ही आए लेकिन वहां के वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप कैसा भी मैटर लिखो और ये दिमाग से निकाल लो कि हमेशा हमें पार्लियामेंट्री ही लिखना है क्योंकि पार्लियामेंट्री की तैयारी सारे बच्चे कर रहे हैं आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो सब पार्लियामेंट्री मैटर लिखते हैं तो उसमें सभी को स्पेशल कमांड हासिल हो गई है लेकिन हमें उससे इतर हमें एक्स फैक्टर को डेवलप करना होगा तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा तो उसके लिए हमें अलग अलग वेराइटीज ऑफ मैटर्स करने पड़ेंगे जैसे कई बार जर्नलिज्म के ऊपर करना पड़ेगा डेमोक्रेसी के ऊपर करना पड़ेगा सोशल हार्मनी के ऊपर करना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं अब वो जमाना चले गया कि भाई डेप्यूटी स्पीकर मिस्टर चेयरमैन सर वो सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं हाँ उनमें से वर्ड्स आते हैं उन मैटर्स को भी हम कवर करते हैं लेकिन सिर्फ मात्र उन पर डिपेंड करना ये आपको सफलता से पीछे धकेलेगा सफल नहीं हो पाएंगे सफल होने के लिए जो सब कर रहे हैं वो मत करो उनसे थोड़ा साइड में हटके एक्स फैक्टर को डेवलप करो तो हमारा मकसद एक्स फैक्टर को डेवलप करना तो मेरी आप सभी से यही विनती है चाहे आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो चाहे एस एस कुछ भी कर रहे हो डेली जो हम लीगल और जनरल मैटर कर रहे हैं उनको करिए और जब आप स्किल टेस्ट देने के लिए जाओगे तो आप ये पाओगे कि अपनी क्लास से एक भी शब्द बाहर नहीं आया है नॉट इवन अ सिंगल वर्ड सारे शब्दों से आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार बिल्कुल मैंने सब कुछ एकदम सही किया है अब आप इस फेर में लीगल, जन्र, लीगल, जन्र, तो फेर रह गए लीगल जनरल लीगल जनरल तो फिर पीछे रह जाओगे दोनों तरीके की मैटर करना ठीक है